हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम गुणों से भरपूर फल अमरूद के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अमरूद के कुछ गुणों के बारे में। दोस्तों, अमरूद के कोमल पत्ते चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं और मुंह की जो दुर्गंध है वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, अमरूद के पत्ते का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से दांत का दर्द तुरंत ही ठीक हो जाता है। इसके पत्तों को चबाने से आपके दांत और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। उसके बाद दोस्तों, अमरूद का फल यदि आप सेवन करते हो तो आपकी जो कब्ज की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। ये कब्ज नाशक है, तो जिस भी व्यक्ति को कब्ज की समस्या है वो इसे प्रयोग करें। और यदि इसे काटकर काली मिर्च, नमक, सौंठ छिड़क कर यदि खाया जाए तो इसके साथ इसके आप इसका स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ में जो पेट का अफारा है या फिर गैस की जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, पागलपन में अमरूद का फल बहुत ही लाभदायक है। इससे मस्तिष्क के जो स्नायु हैं उनको ताकत मिलती है और मस्तिष्क की गर्मी शांत हो जाती है। इसलिए जो पागल व्यक्ति हैं उनके लिए भोजन में अमरूद की मात्रा बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, आँखों का आना, आँखों की लाली, आँखों से पानी आना या फिर आँखों में दर्द होना, यानी जिस तरह के भी नेत्र रोग है, उन सभी में आप अमरूद के कोमल पत्तियों को पीसकर आँखों के ऊपर लगा लो। इससे इन सभी रोगों में आपको लाभ होगा। ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, आप इसे अपनाकर देखिए। उसके बाद दोस्तों, डायरिया और हैजा जैसे रोग में भी अमरूद के पत्तों को और उसकी जो छाल के नीचे छाल होती है एक ऊपर वाली, उसको हटाकर उसके जो नीचे छाल होती है उसका काढ़ा यदि थोड़ी थोड़ा उसका काढ़ा थोड़ा थोड़ा दिन में कम से कम 3 या 4 बार यदि पिलाया जाए तो इन दोनों ही रोग में आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, वैसे तो सभी फल अच्छे होते हैं, पर कहा जाता है कि यदि कोई आवश्यकता से अधिक यदि किसी चीज़ का सेवन किया जाए तो हानिकारक भी होता है। इसी तरह यदि अधिक अमरूद खाया जाए तो उससे हैजा हो सकता है, मतलब ऐसी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है या दस्त हो जाने वाली स्थिति भी आ जाती है। और यदि कुछ ज़्यादा ही खा ले तो पेट में दर्द भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो आपको भी पता होने चाहिए। अमरूद के इन सभी गुणों के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की बस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।